आज कलम के वो जादूगर हमारे साथ हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिनकी एक दो नहीं हजारों की तादाद के अंदर किताबें मार्केट में आती हैं। देश से विदेश तक उनकी जय जयकार होती है और बहुत सारे इतिहासों को, बहुत सारे क्रांतिकारी योद्धाओं को उन्होंने नाम दिया, उनको संज्ञा दी, शांति स्वरूप बौद्ध जी। शांति स्वरूप बौद्ध जी, आप हमारे चैनल में आए, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, SM न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके के आप महान कार्य कर रहे हैं, इस काम में आप सदा लगे रहेंगे, ऐसी कामना है। शांति स्वरूप जी, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अशोक के ऊपर, जो महान योद्धा थे अशोक सम्राट। अशोक सम्राट के साथ एक अशोक का चिन्ह आता है जो हर एक जगह देखने को मिलता है, क्या है उस अशोक के चिन्ह का इतिहास, वो हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बहुत निराला, बहुत अद्भुत, बड़ा ज्ञान कराने वाला आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, सारे काम करने से पहले एक बात याद रखिए कि जिस तरीके से सारे गगन में हजारों तारों के बीच में एक ध्रुव का तारा सबसे ज़्यादा जाज्वल्यमान, सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, उसी प्रकार से दुनिया के सारे शासकों में सम्राट अशोक का स्थान सर्वोपरि है। दुनिया का सबसे सर्वोपरि किस लिए? तलवार के बल पर नहीं, उसने दुनिया का दिल जीता। तलवार से तो उसने कलिंग जीता, मगर दुनिया का दिल उसने काय से जीता? बुद्ध की शिक्षाओं से, शांति से, अहिंसा से, मैत्री से, करुणा से, मुदिता से, उपेक्षा से, ये उसके सबसे बड़े हथियार थे। आज अशोक के विरोध में काम चल रहा है। अशोक का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, आज जो भारत सरकार का भी राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको हमारे रुपए के ऊपर से छोटा कर दिया गया है। हम बहुत मांग करते हैं, मगर सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती सरकार, क्योंकि अशोक का नाम मिटाना चाहती है और हम अशोक की महानता को स्थापित करना चाहते हैं। खाली सरकार में और हम में इतना अंतर है। अब सुनिए, जो उनके दो निशान हैं सम्राट अशोक के, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, एक तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो गोल चक्कर है 24 आरों वाला, उसका मतलब है प्रतित्य समुत्पात के 12 सिद्धांतों का प्रतिनिधि एक चक्र। चक्र का मतलब पहिया। पहिया क्यों? पहिया प्रगति का सूचक होता है। कैसे होता है? एक पहिया है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। अब हम उसको जब धकेलेंगे तो ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर आएगा और इतनी दूर में कुछ दूरी तय हो जाएगी, प्रगति हो गई ना। तो वो जो धर्म चक्र है प्रगति का सूचक है। कारण यह है कि उसके 20 आरे प्रतित्य समुत्कार के जो 12 कड़ियाँ हैं, 12 उल्टी और 12 सीधी, 12 प्रतिलोम और 12 अनुलोम, उनको मिला के वो 24 बनती हैं। ये कहाँ से आया, ये चक्र कहाँ से आया? ये सम्राट अशोक के सारनाथ में जो 4 शेर की मूर्ति लगी हुई है स्तंभ के ऊपर, आज भी आप उसको सारनाथ म्यूजियम में देखेंगे, बड़ी शान के साथ प्रवेश करते ही सामने नजर आती है, इतनी ऊंची है साहब। वो उसके पैरों में, 4 शेरों के पैरों में एक अंडाकार गोल व्रत है, उसमें 4 चक्र बने हैं और 4 पशु हैं। पशु कौन है? एक हाथी है, एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बैल है, और उन दो जानवरों के बीच में एक धर्म चक्र है, फिर दो के बीच में एक ही है, तो 4 पशु और 4 चक्र हो गए। उस चक्र में ही 24 आरे हैं, वहीं से ये आया है। तो वो जो 4 शेर की जो मूर्ति है, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, और वो जो गोल चक्र है प्रतित्य समुत्पात का प्रतीक, वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थापित है। अब जैसा आपने जानना चाह के हम उस प्रतिभा के बारे में बताएं, तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि बौद्ध साहित्य में बुद्ध देशना को अंगुत्तर निकाय के भाग 4 में देखें, भाग 1 में देखें, सिंह सूत्र देखें, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बुद्ध की जो देशनाएं हैं, बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो शिक्षा के रूप में देते थे, वो सिंह गर्जना हैं। वो सिंह गर्जना के समान है, जैसे शेर गरजता है, उस रूप में भगवान बुद्ध भी अपनी देशनाएं करते हैं, क्योंकि जब शेर गरजता है तो सोता हुआ भी जाग जाता है। बुद्ध की शिक्षा का भी यही लक्षण है कि जो लोग अज्ञानता के नशे में चूर हैं और सो रहे हैं, वो भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर जाग जाते हैं। ये दोनों में समानता है। तो ये जो 4 शेर बनाए उन्होंने और दहाड़ते हुए बनाए, वो तो सिंह गर्जना बुद्ध के उपदेश की हो गई, मगर शेर क्यों बनाए? शेर यूं बनाए कि बुद्ध का, दुनिया में अब आप देखते हैं ना, इस देश के क्षेत्रीय लोग अपने आप को सिंह लिखते हैं,
इस देश में हमारे जो सिख भाई हैं वो अपने नाम के सामने सिंह लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर हमें ये पता रहना चाहिए कि दुनिया में ऐसा पहला आदमी कौन सा है जिसने अपने नाम के साथ सिंह लिखा। उन्होंने खुद नहीं लिखा, जनता ने कहा, उनके सम्मान में कहा, उनके गुण को देख करके कहा। वो भगवान बुद्ध हैं, उनको दो उनको उपाधियां मिली उनके जनता की ओर से जिनका उन्होंने कल्याण किया था। एक तो उनका नाम था नरसिंह और एक उनका नाम था शाक्य सिंह। नरसिंह का मतलब मानव जाति का शेर और शाक्य सिंह का मतलब जो शाक्य वंश में जन्मा वो शेर। ये दो नाम बुद्ध के हैं और दोनों नाम सिंह लगा हुआ है, इसलिए वो चार शेर की मूर्ति बुद्ध की प्रतीक है, हर तरीके से बुद्ध की प्रतीक है। वो शेर हैं यानी कि बुद्ध के प्रतीक हैं, गर्जना कर रहे हैं वो बुद्ध देशना के प्रतीक हैं। और सारनाथ में ही उन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि भगवान बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला उपदेश जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं वो उन्होंने सारनाथ में ही दिया था, तो इसलिए उन्होंने वहीं लगाया जो भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थली थी। और एक बात और है कि ये जो स्तंभ है ये काहे का प्रतीक है, और उस स्तंभ के ऊपर आप देखेंगे कुछ लाइनें सी बनी हैं, ये देना स्तंभ, ये सॉरी मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, ये स्तंभ है, यद्यपि वो असली वाला ऐसा नहीं है, ये कमल की नाल का एक प्रतीक है, क्योंकि इतना बड़ा वजन रोकना है तो वो पतला नहीं बनाया, थोड़ा चौड़ा कर दिया। ये कमल की नाल है और ये कमल का फूल है, ये इसमें 16 पत्तियाँ हैं जो झुकी हुई हैं। क्या कमाल की कलाकारी कि उन पत्तियों को इस तरीके से बना दिया कि कितना सुंदरता आ गई उसमें। ये झुकी हुई क्यों है, जितना व्यक्ति ज्ञानी होता है, जितना व्यक्ति संपन्न होता है, जितना व्यक्ति धनवान होता है, जितना व्यक्ति गुणी होता है, उतना ही विनम्र होता है। तो ये झुकना, पत्तियों का झुकना, ये विनम्रता की पराकाष्ठा का उदाहरण है। ये अब इसके ऊपर क्या टिका हुआ है, ये मूल चीज है। और कमल का मतलब क्या होता है, बुद्ध कहते हैं, अंगुत्तर निकाय में कहते हैं, पुप्फ सुत्तो में कहते हैं कि बुद्ध का मतलब कमल का फूल। जिस प्रकार से कमल का फूल, उसके दो गुण हैं कमल के फूल के, एक तो वो सुगंधित है, सुगंध छोड़ता है, और दूसरा वो सुंदर है। ये कमल के फूल के दो रूप हैं, जो दो विशेषण हैं। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने भी, मुझ में भी दो गुण हैं। क्या गुण हैं कि इस अंधकार पूर्ण संसार में पैदा होकर जो दुख का मारा है, मैं उनको सुख प्रदान करने का मार्ग देता हूँ। दुखी संसार में पैदा होके दुख दूर करने का काम करता हूँ, ये कमल का गुण है। अंधकार में जैसे दिया जलाना दिए का गुण है, ऐसे बदबू में, कीचड़ में पैदा होकर सुगंध फैलाना और सौंदर्य स्थापित करना, ये कमल का फूल है। ऐसे दुख से आप्त इस संसार में सुख का संदेश देना बुद्ध का गुण है, इसलिए ये कमल का फूल। और इसके ऊपर टिके हैं चार जानवर, जैसे मैंने अभी बताया, एक हाथी है, एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बैल है। इन चारों का भी महत्व है। हाथी का मतलब भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक। जन्म का प्रतीक कैसे, क्योंकि उनकी माता महामाया को जब गर्भ धारण किया था तो उनको ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे उनकी कोख में कोई हाथी चला गया, उनकी कुक्षी में कोई हाथी चला गया। तो हाथी को उस समय के कलाकारों ने, जनता ने बुद्ध का प्रतीक मान लिया, तो बुद्ध बड़ा, हाथी बड़ा सम्मानित हो गया। तो यह हाथी बुद्ध का प्रतीक है। उसके बाद में है घोड़ा, घोड़ा काय का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण के कारण जब अपना परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना राजपाट छोड़ा, तो उसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण किया। तो महाभिनिष्क्रमण काहे पे किया, घोड़े पर बैठकर किया। तो घोड़ा सिद्धार्थ को लोक कल्याण के लिए उस कपिल वस्तु से निकाल के बाहर लेकर आया, इसलिए वो घोड़ा महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक माना जाता है। शेर मैंने आपको बताया वो नरसिंह थे, इसलिए वो शेर उनका प्रतीक बन गया। और बैल उनके कुल का, उनके वंश का, उनकी महानता का प्रतीक है। तो ये चार जानवर उसी चीज के प्रतीक हैं। और उसके ऊपर ये हमने बता दिया पहले कि चार शेर का मतलब ये बुद्ध की देशना के प्रतीक हैं,
और बुद्ध क्योंकि नरसिंह थे, शाक्य सिंह थे, सिद्धूज के प्रतीक है, मगर ये चार दिशाओं में इसलिए हैं कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था, पहले वर्षावास की समाप्ति पे कहा था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहा था, चरत बिकुए चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि तुम सब दिशाओं में चले जाना मगर एक दिशा में दो मत जाना, क्योंकि दो जाओगे तो बातचीत करोगे, मगर तुम्हें तो ईमानदारी से दुनिया का कल्याण करना है। तो वो जो 60 भिक्खु थे, हम उनको आओ नमन करें कि ये उन 60 भिक्खुओं का ही पराक्रम है जिसमें यश और यश के 55 मित्र शामिल थे जिन्होंने सारी दुनिया को बौद्ध बनाया। तो हमारी जो बौद्ध भिक्खुओं का बड़ा सम्मान है, बौद्ध भिक्खुओं की बड़ी स्थापना है बौद्ध धर्म में, कारण ये है कि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े विद्वान बौद्ध धर्म ने दिए हैं वो सारे के सारे भिक्खु थे, और सारी दुनिया का नक्शा अगर किसी ने बदला है वो भिक्खुओं ने बदला है। ये श्रीलंका को अगर बौद्ध कंट्री किसी ने बनाया तो वो एक भिक्खु और एक भिक्खुनी सम्राट अशोक की औलाद थी, उन्होंने बनाया। ये जो ईरान तक जो आप ये जो अपना सिल्वर चाइना का जो रूट है जिसे हम सिल्वर रूट कहते हैं, उस पर चलकर भिक्खुओं ने जाकर के उस सारे देश को बौद्धमयी बनाया। बांग्लादेश हो, बर्मा हो, बर्मा में उत्तर और नंद वहाँ गए थे वो, और तपस्वी और भल्लिक गए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। नेपाल में गया, नेपाल से तिब्बत में गया, तिब्बत से चीन में गया, चीन से कोरिया में गया, कोरिया से जापान में गया, फिलीपाइन में गया, वियतनाम में गया, और न मालूम कितने देशों में जाकर के बौद्ध धर्म फैला। तो ये किनका परिणाम है, ये किसका पराक्रम है, ये भिक्खुओं का पराक्रम है। और साथियों, इस ये जो हमारा चिन्ह है ये अधूरा है, पूरा कैसे होगा, पूरा ऐसे होगा जैसे इनके पैरों में ये धर्म चक्र बना है 24 आरों वाला, ऐसा ही इनके सिर के ऊपर 32 आरों वाला था, जिसके टूटे हुए टुकड़े सारनाथ म्यूजियम में इस मूर्ति के पीछे दीवार पर उन्होंने लगाए हैं, और टूटे हुए चित्र, टूटे हुए हिस्सों को पेंटिंग करके पूरा कर दिया है। उससे समझ में आता है कि हाँ, इन टुकड़ों का क्या मतलब है। तो वो 32 आरों का जो चक्र था उसका नाम बुद्ध चक्र था, यानी 32 आर का चक्र बुद्ध का प्रतीक है। कैसे है कि बुद्ध के जो महापुरुष लक्षण हैं वो 32 हैं, उनका प्रतिनिधि ये 32 आरों वाला उन्होंने पहिया बनाया और वहाँ पर लगा हुआ है। ऐसी उत्कृष्ट कृति जब सारनाथ में देखने के लिए इजिप्ट की महारानी यहाँ आई तो उसने सरकार से कहा, भारत की सरकार से कहा, नेहरू से और नेहरू सरकार से कहा कि तुम हमसे जितनी मर्जी दौलत ले लो मगर ये स्तंभ आप हमें दे दो, इतना मूल्य है इस स्तंभ का, तो आओ हम अपनी गौरवशाली विरासत को पहचाने और उसको प्रचारित करने का काम करें। आपका ये चैनल इस काम में लगा है तो मेरी भरपूर आशीर्वाद, और वो भी बिना विवाद और साथ में साधुवाद, ये आप याद रखें। जब तक आप अच्छे काम करते रहेंगे जनता आप पर भी लट्टू रहेगी, आपको भरपूर सहयोग भी करेगी, आशीर्वाद भी देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अशोक और जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साहब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।